और आज की इस वीडियो में जैसे आपको पता ही था, कल मैंने काफी मतलब कि बताया वगैरह था कि जिनकी भी 24 अक्टूबर को ज्वाइन हुई थी, काफी चीजें हमने पहले ही बता रखी थी वन बाय वन। ठीक है, तो अब आप क्या बताने वाले हैं, जैसे कि काफी लोग कमेंट वगैरह इसके ऊपर हुए ना। अब बाकी मैंने यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी पेस्ट किए हैं, और ट्राई करेंगे कि आपको हम रिप्लाई कर, मतलब जितने भी कॉमेंट तो हुए हैं सभी का तो रिप्लाई नहीं करेंगे, जो मतलब कि काफी बार पूछे गए ना उनका मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तो अभी तक अगर हमारे चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके ऊपर है, करना है तो कर देना। बाकी बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है, अगर आपको किसी भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, चाहे इंफोसिस हो, विप्रो हो, SCL हो, क्वेंटिफाई हो, जो हो, सिस्को, बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आई है तो मैंने वीडियो बनाई है, अराउंड 1100 होगी वीडियो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड वीडियो होती है, किसी कंपनी से कोई अपडेट आती है उससे रिलेटेड वीडियो होती है, और अगर आपको कोई डाउट होता है उससे रिलेटेड अराउंड 1200 वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आपका भी जो भी डाउट हो ना क्लियर हो ही गया होगा इतनी वीडियो तो मैंने। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो ना, तो इससे पहले मैंने काफ़ी आई थिंक 4 से 5 वीडियो बना रखी है जिनकी भी ज्वाइनिंग 24 अक्टूबर या उसके बाद होने वाली है, कि अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, फर्स्ट वीक कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या चांसेस है मैसूर वगैरह जाने के, तो इसके ऊपर हमने 4-5 वीडियो पहले बना रखी थी। ठीक है, और कल वाली वीडियो में हमने तो इसमें हम बात कर लेंगे ना, और इवन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, ये जो जो यहाँ पर कॉमेंट है कि अप्रैल वाला, जुलाई वाला, इवन मार्च, मई, जून, जितने भी है ना, तो मैं एक ही बार में बता देता हूँ। जो देखो काफ़ी टाइम हो चुका, ऑब्वियस सी बात है, अगर अप्रैल से ले तो अराउंड 7 से 8 महीने हो चुके हैं, और अगर जुलाई से ले तब भी हो चुके हैं लगभग 4 से 5 महीने। ठीक है, तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए आपके ऊपर है, देखो वेट करना है, वेट कर सकते हो, बाकी और भी कंपनी में अप्लाई करो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, और आपको लगता है कि कोई भी अगर आपको बोला है कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग इस दिन हो जाएगी, इस दिन ऑफर लेटर आएगा, तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी आपको एश्योरेंस नहीं दे सकता, कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो ये आपका कॉल है, क्या करना है, वेट करना है कि और कंपनी में अप्लाई करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं, ये जो काफ़ी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि जो अभी पर्टिकुलरली जो अभी बेंच पर स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसूर बुला रहे हैं, मुझे तो नहीं पता किसे बुला रहे हैं, और मतलब कौन है ये लोग जिसे बुला रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कॉस्ट आपको पता है 3 से 4 महीने का होता है, ये जो इंफोसिस की जो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगर पहले होती थी वो अराउंड 4 से 6 महीने पहुंच जाती थी, क्योंकि ऑफलाइन होती थी टोटली, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है, और अभी भी ऑब्वियसली वही ना, अगर मान लो कि हाइब्रिड मोड में भी अगर ट्रेनिंग होती है तो वो होती है आपकी पहले 45 या 60 डेज होती है आपकी ऑनलाइन, देन उसके बाद होती है आपकी ऑफलाइन, मतलब टेस्ट वगैरह। बट अभी आई थिंक पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि आपका फिर जो ट्रेनिंग है शायद इसके चांसेस हैं, क्योंकि नवंबर 12 से जो सीन है जिनका बैच है ना उन्हें आया है पर्टिकुलरली, सभी को नहीं आया, सिर्फ पर्टिकुलरली जिनकी ज्वाइनिंग है ना 12 नवंबर की उसको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और 12 नवंबर, तो अभी इस तरह की पक्की न्यूज़ तो नहीं है कि हाँ यार जो बेंच पे है वो जाएंगे ही जाएंगे मैसूर दोबारा, ऐसा कुछ तो है नहीं, अगर होगा तो मैं बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बार ट्रेन करने के बाद दोबारा ट्रेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम और कॉस्ट जरूर जाएगी इनकी, तो ये क्या करेंगे, रीस्किल वगैरह का कुछ सीन होता है वो चेक करते हैं ज़्यादातर जो बेंच पे होते हैं। और ये वाला कि इन्फोसिस जनरल ट्रेनिंग आल्सो ऑफलाइन मोड एट मैसूर, देखो ये डिपेंड करता है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बनाई थी बताई थी कि ये ना रैंडमली बैच पिक करते हैं, और जो आपने कल वाला ही देखा था कि 12 या 11 नवंबर जिनकी ज्वाइनिंग है उन्हें ही ट्रेनिंग है ऑफलाइन, क्योंकि ये जो इनका अब स्टार्ट हुआ है ना ऑफलाइन वाला, पहले हाइब्रिड था और उससे पहले तो ऑनलाइन चल रहा था, तो ऐसा है कुछ नहीं कि पर्टिकुलरली इस बैच को उठाएंगे, वो रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब पिक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 24 नवंबर वाले जो हमने बताया था, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया वो जो बैच वो जो मुझे कैसे पता लग सकता है, हाँ ये जो जिनको ये आया था ना, ये जो जिनको दो दो बार आया नहीं था, एक मार्च में आया था सिलेक्शन में, एक फिर आया था जून में, थी उनकी थी। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए हों, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा ही बोल देता हूँ, आपके ऊपर है वेट करना है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।